Hey guys, this is Simran Arora. Welcome back to my YouTube channel, जिसका नाम है Life Hacks with Simran Arora. So, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि मैं अब नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, तो ये मेरी नई सीरीज की पहली वीडियो है. तो मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है अपने बुटीक तक का, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी. सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आने वाली है. और हाँ, वीडियो को एंड तक देखेंगे. गाइज, दिस इज सिमरन अरोड़ा. आज मौसम बहुत ही अच्छा है और हाँ, मेरी आउटफिट भी रेडी है, तो मौसम का मज़ा उठाया जाए, आउटफिट लेने चलते हैं. तो आइए, आप भी चलिए और देखेंगे कि मैंने क्या आउटफिट सिलवाई है. और आपको आउटफिट बहुत डिफरेंट लगने वाली है. बहुत ही दिमाग लगा के आउटफिट को स्टिच करवाया गया, और जिन्होंने बनाई है उन्होंने भी बहुत ही दिमाग लगा के, बहुत ही मेहनत से वो ड्रेस रेडी करी है. तो आइए चलते हैं. चंद्राचार्य चौक से हरिद्वार रोड की तरफ जाते हुए आपके सीधे हाथ की ओर आपको एक ओप्पो का शोरूम दिखेगा और साथ ही उसके एक होटल दिखेगा जिसका नाम है विजय लक्ष्मी इन. इन दोनों के बीचों बीच एक पतली सी गली है, जैसा कि आप देख रहे हैं साइकिल वाले भैया भी जा रहे हैं. हम थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाते हैं. तो इसके बीचों बीच आपको अंदर आना है और आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको एक स्लाइडिंग डोर दिखेगा. ऊपर कोई बैनर या बोर्ड नहीं है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कोई बोर्ड नहीं है, स्लाइडिंग डोर ही ये बुटीक है. तो आप जाएं और अपनी कोई भी आउटफिट सिलवा सकते हैं. सो फाइनली हम शॉप पे विजिट कर चुके हैं, हम अंदर चलते हैं शॉप के. तो ये है हमारे नुर्शिद भैया और जय सिंह भैया मेरी अभी आउटफिट में लगे हुए, थोड़ा सा गड़बड़ है तो वो ठीक कर रहे हैं. अब हम चलते हैं मेरी आउटफिट की तरफ नजर डालने के लिए. तो मेरी आउटफिट सिली है जय सिंह भैया ने, जो सूट स्टिचिंग में स्पेशलिस्ट हैं. सारे सूट जो बुटीक के हैं भैया के पास ही आते हैं, भैया ही सिलते हैं लहंगे सूट. तो बहुत ही फिनिशिंग वाला काम है भैया का. तो मेरी जो आउटफिट है आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही सरप्राइजिंग आउटफिट है. मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी इतनी अच्छी आउटफिट, मैंने सोचा नहीं था सिल जाएगी, लेकिन वो स्टिच हो चुकी है. तो आइए नजर डालते हैं. आइए भैया, पहले तो मुझे मेरी आउटफिट दे दीजिए. तो ये देखिए आप, ये मेरी आउटफिट है. ये मैंने फर के मटेरियल की स्टिच कराई है और बहुत ही प्यारी है. थ्री पीस में है ये. मैंने अभी पहन के नहीं दिखाई आपको, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको आगे पहन के भी दिखाऊंगी. पहले तो आप जय सिंह भाई से हम जानते हैं भैया, आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस आउटफिट को स्टिच करने में? एक तो इसमें मशीन नहीं सही चल पाती, क्योंकि यह कपड़ा ऐसा ही है ना, बिना अस्तर के चल पाती. प्लस ये अंदर ही कपड़ा भी थोड़ा ऐसा ही, जैसे प्लास्टिक होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इसमें. जैसा कि आपको भी पता होगा, फर वाला जो मटेरियल होता है वो थोड़ा अलग होता है अगर हम कंपेयर करें सिंपल मटेरियल से. कॉटन के कपड़े में जैसे आप नॉर्मल सिल लेते हैं, या फिर आप रेयन के कपड़े में, साटन के कपड़े में आराम से स्टिचिंग करा सकते हैं. लेकिन आप अगर इन तरह के मटेरियल पे अगर आप आउटफिट स्टिच कराते हैं तो बहुत ही टिपिकल टास्क होता है. हमारे लिए नहीं, हम तो मटेरियल खरीद के लाए, हमने तो दे दिया अपने बुटीक में. लेकिन जो मुश्किल, सबसे मुश्किल टास्क होता है वो जो स्टिच कर रहा है उसके लिए होता है. तो अगर हमें, हम कहें कि बहुत एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहे हैं सिलने के लिए, मेरी जो ये ड्रेस है ये मात्र 1300 में पूरी सिल दी गई है. क्यों? क्योंकि ये भी मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि ये पूरा जो मेरा आउटफिट है वो अस्तर के साथ सिला है. इसमें बॉटम से लेके जो अपर है, टॉप है और उसके ऊपर जो श्रग है, पूरी आउटफिट में अस्तर लगा गया है. लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जो चार्जेस लिए हैं बहुत ही जेन्युइन चार्जेस हैं, बहुत ज्यादा नहीं है. क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि सिलाई करना भी बहुत मुश्किल काम है, इसमें मशीन नहीं चलती है. इसमें काफी बार ऐसा होता है कि सुई भी टूट सकती है,
सिलते समय। तो थैंक यू जय सिंह भैया, आपने मेरी इतनी प्यारी आउटफिट रेडी करी है, और अभी शायद आपको क्लियरली आउटफिट दिख नहीं रही होगी, भैया आप एक बार ना एक एक पीस निकाल के दिखा दीजिए। ये आपको अभी शायद इतनी वाव नहीं लग रही होगी, कहते हैं ना चीज देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती, जब ये पहन के दिखाई जाएगी आपको तब लगेगा कि कुछ डिफरेंट आइटम सिली है। बाकी आपको ये आगे दिखेगा कि क्या पूरी एग्जैक्टली क्या है। कुछ बातें जानेंगे हमारे मधु आंटी से जो उस बुटीक की ओनर है। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि सारे सूट्स के क्या रेट हैं, सिंपल सूट से लेकर के अगर हम प्लाजो वाला सिलवाते हैं, शरारा वाला सिलवाते हैं, तो सब सूटों के क्या रेट हैं? 300 रुपए हमारे यहाँ सिंपल सूट का रेट है, और उसमें अगर अस्तर होता है सिंपल, मतलब सिंपल से मतलब जैसे पजामी और सलवार उसमें अस्तर होता है, तो 550 हमारे यहाँ रेट है। सिंपल सूट में पैंट नहीं आती, पैंट नहीं आती, पजामी सूट, हाँ हाँ है ना, तो उसमें अगर हम अस्तर लगाते हैं जैसे कुर्ते में अस्तर लगाना है तो वो 550 है, फुल में है तो 750 है ना, सलवार में और पजामी में। और अगर हम पैंट वाला सूट बनाते हैं, पैंट वाला जो सिंपल सूट बनाते हैं, पैंट वाला कुर्ता सादा पैंट बनाते हैं, उसका 450 रुपये है। और अगर हम मान लीजिए ऊपर इनर लगाते हैं तो 650, नीचे भी इनर लगाते हैं डबल मतलब इनर हो जाता है तो वो 850 रुपये है, ठीक है। और अगर उसी में कली वाले जैसे आजकल स्कर्ट बन रहा है, स्कर्ट बनता है तो फिर 1000 रुपीज़ पूरा है, पूरा 1000 अस्तर वाला। तो जैसा कि आपने सुना कि सारे सूट के रेट कोई इतने ज्यादा नहीं है, अगर आप कंपेयर करेंगे और शॉप से तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत जेन्युइन रेट मिलेंगे। मैं यहाँ पे अक्सर आती रहती हूँ तो मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, अगर आप रेगुलर कस्टमर बनते हैं तो आपको थोड़ा वेरिएशन में मिल जाएंगे रेट में। बाकी हमारा जो मधु आंटी का नेचर है वो ऐसा है, आप एक बार आएंगे आप बार बार मजबूर हो जाएंगे आप आने के लिए, क्योंकि काम तो हर कोई करता है, काम आप पैसे देंगे काम तो हर कोई करता है, लेकिन एक दिल से लगाव जहाँ हो जाता है वहाँ पे आने में बार बार मन करता है। तो आप एक बार जरूर आइए यहाँ पे काम करा के देखिए आप, मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपको यहाँ का काम बहुत पसंद आएगा और हमारी मधु आंटी का नेचर बहुत। थैंक यू भाई। सिमरन का चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सीरीज की पहली वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाइए। हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, जल्दी ही आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।